बड़ी खबर व्यूअर्स, व्यूअर्स बड़ी खबर यह है कि अब बीजेपी और आरजेडी के अंदर नंबर एक की कांटे की टक्कर हो गई है। 65 पे आरजेडी खड़ी है, बीजेपी 63 पे खड़ी है, यानी सिर्फ 2 सीटों का डिफरेंस है। यानी बीजेपी अगर यहां से आगे निकलती है तो बीजेपी विल फर्स्ट टाइम इमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। दिस इज द एक्स फैक्टर ऑफ दिस इलेक्शन। मैं कल लगातार बोल रहा था कि जेडीयू को नुकसान हो रहा है पिछले 3 दिन से, और एग्जिट पोल को देखकर भी मैंने कई बार बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तटस्थ है। यानी नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है चुनावों के अंदर, और जब नरेंद्र मोदी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, चुनाव बदला है सेकंड राउंड से, और वही दिखाई दे रहा है। आरजेडी 65-63 पे खड़ी है बीजेपी। मैं आपको बार बार एक बात को कह रहा हूं कि वी हैव टू वॉच भारतीय जनता पार्टी राइट नाउ, क्योंकि बीजेपी अगर सिंगल लार्जेस्ट एमर्ज होती है बिहार की राजनीति में तो यह बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि कांग्रेस के बाद वहां पर किसी राष्ट्रीय पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं करा है, और उसके बाद बीजेपी हमेशा छोटा भाई रही। लेकिन क्या महाराष्ट्र होगा, यानी कैसे, जैसे शिवसेना पहले छोटा भाई थी, बीजेपी बड़ा भाई बन गई, क्या महाराष्ट्र होगा? भारतीय जनता पार्टी टू बी वॉच्ड, क्योंकि आज बीजेपी के लिए यह बड़ा दिन होगा अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एमर्ज करके आती है। आप देखिए लगातार जेडीयू का नंबर ऊपर जाता हुआ, बीजेपी के पट्टा दफ्तर में हलचल बहुत तेज है। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी वहां पहुंच चुके हैं। विक्रांत, क्या अपडेट है बीजेपी ऑफिस से, चीजें बदल गई? लड्डू कल बन रहे थे, मजाक उड़ाया जा रहा था। सुबह मैं यहां पर आया था 6:30 के करीब, सुबह 6 बजे अमीश मैं यहाँ पर पहुंचा था, तब यहाँ पर कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। इस समय मैं सुनील सागर अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं, लोगों की कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ लग गई है, यहाँ पर नारेबाजी होने लगी है। अचानक से बीजेपी के काफी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के लोगों को वहां पर, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजे, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इक्वल टू आरजेडी, यानी 64-64 कांटे की टक्कर बीजेपी और आरजेडी के बीच में। बीजेपी इतिहास में पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। विक्रांत यादव, बीजेपी नेताओं से पूछिए, पहली बार बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, 65-64 हो गया है, एक बार फिर आरजेडी आगे हो गई है, लेकिन कांटे की टक्कर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की अगुवाई के अंदर, क्या बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी बिहार की क्विकली? और इसी का परिणाम है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल अमीश, लोगों का जोश भी यहाँ पर उसी तरीके से बढ़ रहा है जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है जेडीयू के कारण, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन बढ़िया जाता जा रहा है रुझानों में। हम दोनों को न कोई नुकसान है न नफा है, हम लोग बेहतर काम करते हैं उसी का नतीजा है कि आज हम लोग इतने सीट पर आ रहे हैं। लेकिन सुबह से देख रहा था इस पूरे कार्यालय में कोई जश्न नहीं था कार्यकर्ताओं की। स्वाभाविक है विक्रांत, सवेरे जब हम जगे हैं तो टीवी ही देखेंगे, और टीवी देख के हम सीधे कार्यालय पहुंचे, ऐसे भी हम लोग तो डेली कार्यालय पहुंच जाते हैं। उम्मीद थी कि ऐसा ही माहौल रहेगा, यही नतीजा रहेगा। हां जी, जनता ने बीजेपी के दफ्तर में हर्षोल्लास, बीजेपी जेडीयू प्लस 125-126 के बीच में, आरजेडी 109 पर इस समय खड़ी हुई है। लेकिन अमिताभ सिन्हा, बीजेपी का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बनती है, जो स्थिति लग रही है यहां पर, कड़ा मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच, कवरिंग बीजेपी फ्रॉम लॉन्ग